आप लोगों को बजट रेंज में कोई कॉलर हेडफोन चाहिए क्या? आपके हेडफोन में क्या 12 घंटे का बैटरी चाहिए? 12 घंटे या 10 घंटे? 10 घंटे का ही चाहिए या 12 घंटे का? ठीक है, क्या आपके हेडफोन में क्या रीच बेस चाहिए? मन में लड्डू फूटा, ये ना कोई वन प्लस है, ये ना कोई सैमसंग है, अरे भैया ये कुछ भी नहीं है, ये अपने नाम में एक अच्छा आपको कह दूँ तो अच्छा मुझे लगा है। और क्या आपको क्या एकदम बजट रेंज में चाहिए? एकदम 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 बजट रेंज, और थोड़ा फ्लेक्सिबल बॉडी एंड थोड़ा मेटल बॉडी एंड देन एकदम ऑडियो क्वालिटी का बाप लेवल, जो कि बाप लेवल मेरे हिसाब से ठीक लगा मुझे बाप लेवल कहना। सो अगर आप लोग इस इन सारे चीज़ों को ना एक मिक्सर ग्राइंडर में डाल दीजिए और उसको पीस दीजिए, वो जो पदार्थ निकलता है वो ये निकलता है। सो आज हम इसको अनबॉक्स करने वाले हैं, ये फिंगर्स कंपनी का नेक बैंड, वायरलेस नेक बैंड जो कि इसका नाम है, और इसका लिव म्यूजिक इसका जो कि नाम है, इसका दूसरा नाम है लिव म्यूजिक। सो अच्छा, इसके सीरीज का हो सकता है नाम लिव म्यूजिक। यहाँ पर जो कि आप मुझे कहने वाले थे कि ये वन प्लस का हो सकता है या तो कि किसी और कंपनी का, सो प्राइस के बारे में मैं आपको अनबॉक्सिंग के टाइम बताने वाला हूँ, क्योंकि प्राइस आप सुन लोगे ना जो आपके कान सिर चकरा जाएंगे कि यार क्या प्राइस बता दिया यार इतना सस्ता। और जल्दी इसको अनबॉक्स करते हैं और सो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रुद्र, आप देख रहे हैं रुद्र डे, चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हो। वेट, आज कल देख रहे हैं 50 लाइक्स एंड हम लोग का दोगे और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। सो यार वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो थोड़ा हो जाता है, कार को हम लोग साइड में रखते हैं। सो यहाँ पर हम लोग इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। सो सबसे पहले हम लोग बॉक्स के ऊपर क्या क्या लिखा है इसका हम लोग बता देते हैं आपको। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं फिंगर्स नाम लिखा है इस ब्रांड का, फिंगर्स कंपनी का, और इसके ऊपर लिखा है लिव म्यूजिक वायरलेस नेक बैंड ईयरफोन। यहाँ पर आपको स्टैंड बाय आपको मिल जाता है, प्लेबैक आपको 12 घंटे का लिखा है, लेकिन मेरे हिसाब से 10 आवर्स का मिलता है जो कि बहुत ही लंबा रहता है। और यहाँ पर आपको रिच बेस और बहुत ही आपको साउंड जो कि बहुत ही अच्छा मिल जाता है। और बॉक्स के साइड में यहाँ पर जो कि आपको प्राइस जो कि मेंशन होता है। हाँ सो यहाँ पर मैं ओके सो यहाँ पर मैंने इसको ज़्यादा थोड़ा जूम कर दिया, नहीं ज़्यादा नहीं है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो लिखा हुआ है इसका प्राइस जो कि 1799 ज़्यादा हो गया था, 999 का दिया था। सो इसका प्राइस में मुझे मिला है 1200 रुपीज़ में मुझे मिला है, जो कि बहुत ही सस्ता प्राइस मुझे लगा अकॉर्डिंग टू दिस बजट रेंज में। अगर आप कोई दूसरा लेने जाते हो, सैमसंग का भी मिलता है, लेवल यू नाम का एक आता है, वही सैमसंग का हुआ है, वो थोड़ा ज़्यादा प्राइस में और ये थोड़ा अच्छा प्राइस में मुझे मिल गया है। और यहाँ पर आपको मैं बॉक्स की यहाँ पर आपको जूम आउट करके दिखाता हूँ। सो अच्छा इसके ऊपर ये दिखा देता हूँ। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसका बैटरी बैकअप जो कि लिखा है, और यहाँ पर आपको प्रीमियम रेगुलर ईयरबड्स मिल जाते हैं विद मैग्नेटिक एंटी लॉकिंग जो कि आपको मिल जाता है, और इसका जो कि लाइट वेट फिट लिखा हुआ है, और यहाँ पर आपको सुपर थीक कंट्रोल्स मिल जाते हैं, और यहाँ पर आपको BT 5.0 प्लस मिल जाता है और प्लस EDR मिल जाता है, मैं इसके बारे में आपको बता दूंगा। यहाँ पर आपको साइड्स में मिल जाएंगे, और यहाँ पर आपको वॉइस असिस्टेंट मिल जाता है जो कि बहुत ही बढ़िया चीज़ें आजकल के हेडफोन में नहीं मिलता है, अभी मिलने लग चुके सभी। यहाँ पर आपको दो डिवाइस कनेक्ट करने का मौका मिल सकता है और वो बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 ईयर का वारंटी जो कि लिखा हुआ है, जो कि बहुत ही बढ़िया। सो अब इसको जूम आउट करते हैं। सो ठीक है, तो अब हम लोग इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। सो ऐसा पैकेजिंग देख के मुझे नोकिया 3310 का याद आ गया, क्योंकि उसका पैकेजिंग अभी प्लास्टिक का ऐसे ही आने लगा है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि हमारा लिखा हुआ बॉक्स के ऊपर ये प्लास्टिक पे
तो इसको हम लोग साइड कर लेते हैं। और ये है हमारा कॉलर हेडफोन, और जो कि वाओ वाओ एकदम, वेट तो पता ही नहीं लग रहा। नहीं नहीं वेट है वेट है वेट है वेट है, और इन दोनों में वेट है क्योंकि ये दोनों मेटल के बने हुए हैं। आप लोग सोचोगे कि कान यार भारी हो जाएगा, और मैं जो कि बात कर रहा था फ्लेक्सिबिलिटी की, यहाँ आप देख सकते हो फ्लेक्सिबिलिटी की बात कर रहा था मैं। सबसे बढ़िया इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाते है, और यहाँ पर आपको कुछ कंट्रोल्स मिल जाते हैं, मैं आपको अच्छे से बताऊँगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो जो कि मैग्नेटिक कनेक्टेड हो गए, सो इसको हम लोग साइड में रखते हैं। और ये एक आपको मिल जाता है एक हेडफोन कॉलर हेडफोन का ट्रे जो कि मिल जाता है, इसको हम लोग साइड में रखते हैं। और ये है हमारा कुछ इसको हम लोग पहले रखते हैं। और ये क्विक स्टार्ट गाइड जो कि हमें मिल जाता है, जो कि ज़्यादा कुछ नहीं लिखा हुआ है, मैं आप इस बारे में लिखा बोल दूँगा। और ये इसके ब्लूटूथ नेम है जो कि आप देख सकते हो। इसका मैं 1 वीक रिव्यू भी लेने वाला हूँ, इसका लेके आने वाला हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि एक कौन सा मतलब माइक्रो यूएसबी, मैं नाम ही भूल गया था क्योंकि मेरे घर में टाइप सी मोबाइल है मेरा, और मैं नाम ही भूल गया था, माइक्रो यूएसबी याद आया। और एक यूएसबी मिल जाता है जो कि आपको चार्जर या पावर बैंक के साथ कनेक्ट करने के लिए मिलता है। और यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग बात मैं बताऊँ तो यहाँ पर आपको एक सबसे बड़ा वाला एक ईयर टिप्स मिल जाता है, और सबसे छोटा वाला आप अपने साइज के अकॉर्डिंग लगा सकते हो। वेल मैं कहूँ तो आप जो कि कंपनी से पहले से आ रहा है वही लगाइए कि वो सबसे अच्छा है। और यहाँ पर आपको एक थैंक यू लेटर मिल जाता है बाय फिंगर्स, तो बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर आप देख सकते हो पूरा इसका सोशल मीडिया लिंक्स, एंड देन यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, कुछ प्राइस को बार कोड, यहाँ पर मैं बार कोड को सील कर दूंगा वैसे भी पता है। सो ये पूरा बॉक्स खाली हो चुका है, बॉक्स भी अच्छा क्वालिटी का बना है। सो बॉक्स को भी हम लोग साइड में रखते हैं, सब कुछ इसके अंदर डाल के सो साइड में रखते हैं। सो अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके बारे में, जो कि अब मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसा है कि नहीं। सो यहाँ पर सबसे पहले आपको फिंगर्स लिखा मिल जाता है इसके ऊपर कॉलर हेडफोन के ऊपर। देन यहाँ पर इसका कुछ मॉडल नंबर है जो कि मैं आपको नहीं दिखा सकता, तब भी मैंने आपको दिखा दिया, वो मैं ब्लर कर दूंगा। सो यहाँ पर मैंने इसको जूम कर लिया, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि फोकस हो जा, हाँ फोकस हो गया। हाँ सो ये एक प्लस बटन और ये माइनस बटन आपको मिल जाता है। और देन ये है हमारा इसी से आपको ऑन ऑफ करना है। सो इसको हम लोग ऑन करते हैं। सो आप देख सकते हो यहाँ पर एक ब्लू रेड लाइन मिल जाता है। और एक यहाँ पर रेड लाइट मिल जाता है। सो थोड़ा सा वॉइस क्वालिटी में थोड़ा अंतर आया था क्योंकि मेरे ब्लूटूथ में पकड़ लिया था इसने। सो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे फ़ोन के साथ कनेक्ट हो गया था। सो यहाँ पर आप देख सकते हो, हम लोग बात कर लेते हैं इसके बारे में। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि अब तक की ये तो था मेटल का है, ये तो भारी तो बहुत ज़्यादा होगा। बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ही लाइट वेट है। मैं आपको इसको पहन के देखूँगा, पहन के दिखाऊँगा। सो अच्छा वहाँ पर ले गया था, मैंने सोचा कि थोड़ा भारी होगा, मैं भी पहले पहले सोच रहा था। सो भारी नहीं है, मैं आपको इसको पहना के भी दिखाऊंगा, इसको पहन के दिखाता हूँ। और चलते हैं अब बाहर टेबल के बाहर। सो आपसे टेबल के बाहर मिलता हूँ। मैं माइक खोल देता हूँ तो मेरा वॉइस थोड़ा अलग आ रहा होगा। तो यहाँ पर मैंने माइक को खोल के यहाँ पर साइड में रख दिया। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा माइक, सो इसको हम लोग साइड में रखते हैं। और यहाँ पर मैं जो कि इसके बारे में बात कर रहा था, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि हमारा कॉलर हेडफोन, मैं इसको पहन के आपको दिखाता हूँ। और विश्वास नहीं हो रहा कि गाइस इतना भारी भी नहीं है, आप लोगों को लग रहा होगा कि बहुत भारी है। और यहाँ पर मैं इसको एक बार थोड़ा पोंच लेता हूँ क्योंकि बॉक्स ओके सो ठीक है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारा कॉलर हेडफोन, मैं इसको पहन लेता हूँ। और जो कि यहाँ पर आप देख सकते हो जो कि बहुत ही लाइट वेट है, और कान में कोई प्रॉब्लम तो ऐसा नहीं हो रहा, जैसे कि ऐसा तो मुझे कोई ऐसा नहीं लग रहा कि बहुत भारी एंड देन बहुत कुछ। सो ऐसे करके आप मैग्नेटिक करके यहाँ पर आप देख सकते हो कि कर सकते हो। सो इसका मैं टेस्ट भी करता हूँ इसके माइक्रोफोन का कैसा आवाज़ है। तो चलते माइक्रोफोन को टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने अपना कॉलर हेडफोन पहन लिया। अब ये आपको जो भी आवाज़ आ रहा होगा वो कॉलर हेडफोन के अंदर से आ रहा है। और यहाँ पर मैं आपको
कहूँ तो 10 out of 10 इसका मैं कॉलिंग, जब मैं कॉलिंग करता हूँ तब ऐसा वॉइस क्वालिटी आता है कि वाओ, एकदम अच्छा वॉइस क्वालिटी इसके अंदर आता है, बहुत ही क्या बताओ एकदम झक्कास क्वालिटी का आता है। और अगर आप वीडियो में सुन रहे हो तो वीडियो में भी एक लाइक तो बनता है इसके बारे में। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरे कानों में बहुत अच्छा लग रहा है। सो यहाँ पर अगर आप कहीं घूमने वूमने जाते हो, या अभी दुर्गा पूजो आने वाला है, सो अगर आप ये पहन के जाते हो तो बहुत ही स्टाइलिश जैसा लगेगा, बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर आप देख सकते हो कानों में कैसा लग रहा है, देखना। सो अब हम इसको खोल लेते हैं। सो अब इसके बताओ तो ये मैंने खरीदा ऑफलाइन से, और ये अगर मैं ऑनलाइन से बात करूँ थोड़ा प्राइस यहाँ पर आपको डिलीवरी चार्जेस लगा के थोड़ा ज़्यादा प्राइस भी मिलता है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ तो इसका मॉडल नंबर जो कि कैसे कनेक्ट करना है, तो यहाँ पर आपको मॉडल नंबर का कुछ दिखा रहा है ब्लूटूथ में, यहाँ पर आपको आ रहा होगा। सो ऐसे करके कनेक्ट कर लेना है, और यहाँ पर आ रहा होगा आपको, सो कनेक्ट कर लेना ऐसे करके। सो यहाँ पर आपको ये वीडियो कैसा लगा था हमें कॉमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कॉमेंट शेयर और सब्सक्राइब करके जाइए, और सो बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। सो मिलता हूँ सुनने, बाय बाय। हाँ, इसका मैं लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर मैं भूल जाऊँ तो आप लोग कॉमेंट्स में ज़रूर बता देना मुझे, क्योंकि यार याद नहीं रहता एडिटिंग की वजह से और अपलोडिंग की वजह से। सो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय बाय। सो बाय, अब मजाक नहीं करने का।